हाय गाइस, हम लोग रिसेप्शन में आए हुए हैं। ये खुशबू रानी, हाँ सोनी, और ये मम्मी। और सोनी को देखो क्या कर रही है। सोनी तो फुल एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग जाएंगे वलीमा में। मेरे भांजी की जो शादी थी, तो आज उसके ससुराल में वहाँ पे इनवाइट किया गया है। वहाँ पे जो है आज वलीमा होगा, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो ये जो है सूट को सही कर रही है। सूट जो है सिलने दी थी, नहीं है ब्लाउज है, ब्लाउज है ना, तो ये ब्लाउज सिलने दी थी। आपको पिछली वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, मैंने डाला है वीडियो। ये हल्दी के लिए सिलवाई थी, ठीक है। ये चाहती तो खुद भी सिल सकती थी, लेकिन इसके पास टाइम उतना नहीं था क्योंकि शादी थी। अब शादी में उसे जाना भी था, तो इसने अपना टाइम बचाने के लिए दे दिया था टेलर को, कुमार डूबी बाजार में। तो मार्केट में दे दिया था एन मौके पर, वो दिया नहीं। जब हल्दी थी उस वक्त दिया नहीं, हल्दी ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने फ़ोन करके कहा कि बन गया आपका। तो हम लोग गए थे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से लेकर के आए। लेकिन अभी जो है, अभी जो ये लेकर के आई है, इसका दिमाग हो गया ख़राब। उस वक्त भी लाई थी तो देखी नहीं थी किस तरह हो रहा है। तो सोची कि चलो हल्दी में तो नहीं पहने हैं, तो अब इसे मैं वलीमा में पहन लेती हूँ, क्योंकि ये भी नया ही रहेगा, एक बार भी पहना नहीं है। तो पता नहीं इसका क्या कर दिया है, ब्लाउज में क्या अल्टर, ये किस तरह का बोली थी, और सिल पता नहीं किस तरह का दिया है। किस तरह का बोली थी तू, जैसा दिया था उस तरह सिल ने बोला था, वो अपने मुँह के तरह सिल दिया। तो जोर से बोल, थोड़ा ऐसे सिलाए थे, ऐसे ऐसे दिखे, ऐसे सड़ा हुआ। कौन डिजाइन, स्माइल ना, कौन डिजाइन बोली थी ना, स्माइल बोला था आगे पीछे दोनों तरफ होने का, इतने सिर्फ आगे कर दिया छोटा सा, छोटा कर दिया। अभी से कितना कपड़ा काटी है, मत देना उसको। अभी कितना कपड़ा काटी है, हम कपड़ा गिरा दिया नीचे, निकाल दो, उठा दो। अभी इतना कपड़ा काट के अभी हटाई है, और भी कपड़ा है। तुरपाई उरपाई कुछ नहीं किया है, बस सिलाई मार मार के दे दिया है। तुरपा हर ब्लाउज में हर जगह पे ये होता है, तुरपाई है ना, आस्तीन में तुरपाई होता है, गला में तुरपाई होता है, या नीचे तुरपाई होता है, काज बट्टी करते हैं वहाँ तुरपाई होता है। इसका कुछ भी नहीं करके दिया, और जैसे तैसे मन पाया बना के दे दिया था। ये तो चलो टेलर है, ये सीधी है खुद कपड़ा, तो ये तो कर लेगी सही। लेकिन जिसको नहीं आता उसका कहा होगा, वो बेचारे पहन लेंगे और क्या। तो मेरा तरह लेक्चर बाजी नहीं, तो ये अभी सिलेगी, ये खुद सिलेगी ना। 3:30 हो गया है, बर्तन धोना है, इतना सारा जा, सारा सामान पड़ा हुआ उसी तरह, क्योंकि शादी से आए कल ही तो आए, कल आए हम लोग। मैं तो आ गया था पहले, ये लोग वहीं थी, वहाँ से लेकर के आए हैं। अब आज फिर जाना है, फिर आज शाम में जाना है, शाम में जाएंगे तो फिर रात में आएंगे, करीब 10, 11 या 12 भी बज सकता है। तब जो है उसके बाद सारा सामान को सरियाएंगे, क्योंकि सारा कुछ बिखरा हुआ है। मैंने खुद कहा कि अभी कुछ सरियाए सराए मत करो, वहाँ से आ जाएंगे उसके बाद सरियाएंगे। ऐसा नहीं लेके आई भाभी चूड़ी, आज मैंने मेरी भाभी से चूड़ी भी मंगाया था, नसीब भी बुरा है साड़ी का। कुछ भी ये नहीं टाइम पे मिला, और इसका चीज भी जो मंगा रही वो भी आधा अधूरा मिल चूड़ी रहा है। चूड़ी येलो कलर में आ गया, अलमारी में चूड़ी भी जो है बड़ा भी आ गया, चूड़ी बहुत बड़ा आ गया, चूड़ी भी नाप के दी थी, वो चूड़ी बड़ा, एक नहीं दो दो साइज दिया था जिसमें से, कोई बात नहीं उसको नहीं, दोनों है, दोनों है। अच्छा दोनों छोड़ी, एक छोड़ी छोड़ के चल गई थी, हम दो वो दिए थे जिसमें, हाँ दूर दिया ना, एक छो लेके गया। ये तो है अपने ठीक कर लेगी, अभी ऑरेंज में है और भाभी पीला में लेके आई है, ये काट के रखी है, काट के फिर सही कर लेगी जिस तरह से इसको चाहिए, इस तरह बना लेगी। क्योंकि मोबाइल ना काट गिरा, यहाँ पे जो है ये रहा चूड़िया, ये हाँ यहाँ पे है चूड़ी, ये अपने मशीन में जो है सिलाई मशीन में सही कर लेगी। ये चूड़ी है, ये चूड़ी भाभी को लाने दी थी, तो चूड़ी का साइज जो दिया गया था उससे थोड़ा बड़ा आ गया। तो और कुछ कहना चाहता है, हाँ वलीमा में जाके बता देंगे, हैं वलीमा में जाके जाएंगे तब पता चल जाएगा क्या कहेंगे क्या नहीं। अच्छा से बोलना, इधर देख, वलीमा में जाएंगे तब पता चल जाएगा क्या कहना है कि नहीं कहना है। तो हम लोग निकल रहे हैं चिरकुंडा के लिए, जाना है वलीमा में, आसनसोल। मेरी भांजी की जो शादी हुई थी वहीं पर उसका ससुराल जाना है। ये भी तैयार हो गई है, और चिरकुंडा जा करके भी इसका मेकअप अभी बाकी है।
साड़ी वगैरह क्या क्या पहनेंगे अभी, उसके बाद वहाँ से फिर गाड़ी आएगा, हम लोग सब साथ में जाएंगे आसनसोल के लिए, और ब्लॉग आपको मिलता ही रहेगा दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, ये है थैला में सामान जो है इसका ही है, मेरा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ कोट है, सिर्फ कोट अभी नहीं पहने हैं इसीलिए। तो चिकुंडा में भी जा करके थोड़ा सा बाजीगर है, बाजी के साथ हम लोग जाएंगे, और भांजी भी है, दो भांजी भी है, तो हम लोग सबको साथ में जाएंगे। फिलहाल वहाँ पे गाड़ी आ जाएगा तो ब्लॉग आपको मिलता ही रहेगा दोस्तों, तो ब्लॉग पे बने रहिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आसनसोल, आसनसोल में क्या है सिल्वर, ये सिल्वर गार्डन लॉज है आसनसोल का। तो हम लोग आए थे, हम लोग लड़का वाले के घर में आए थे, लड़की वाले की तरफ से आए थे, मेरी भांजी की शादी हुई है, वलीमा था तो यहीं का है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये लॉज है, हमने देखा काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है, डेकोरेशन है, इंतजाम जो है बहुत अच्छी तरह के, सब A1 है यहाँ पे, सारे रूम में सुविधा है, हर चीज़ का सुविधा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इधर देखिए स्टैंड है, बाइक स्टैंड भी है, बाइक स्टैंड क्या आंगन की तरह है, खुला है, तो वहाँ पे स्टैंड भी लगा सकते हैं, बाइक भी लगा सकते हैं, और हर रूम पे जो है, मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आया हुआ हूँ इस पे, इसीलिए थोड़ा सा अजीब तरह का लग रहा है। हाँ हाँ और ये मम्मी और सोनी को देखो क्या कर रही है, सोनी तो फुल एंजॉय कर रही है, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, सोनी कुछ ज़्यादा कर रही है, सोनी कुछ ज़्यादा कर रही है, मेरे बहन का शादी, बहनों की तरफ बहन, देखिए हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, पर यहाँ भी पहले से पूरा सीट यहाँ फुल है, लोग भूख मर खड़े हैं, भूख से ना अलीना भी रो रही है। तो दोस्तों हम लोग शादी में पहुँच चुके हैं, और क्या तो नाम है, कौन सी नाम था बेटा, मैरिज हॉल, कौन मैरिज हॉल था, सिल्वर गार्डन, हाँ सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल आसनसोल में है ये। तो आसनसोल आया था, इनवाइट किया गया था, रिसेप्शन था, तो उसी में आया था, भांजी की शादी थी, भांजी की शादी वहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ पे हम लोग आए थे। तो खाना पीना खा चुके हैं, नाश्ता पानी भी पहले हो चुका था, और खाना पीना भी हो गया है, अब हम लोग निकलेंगे। बस यही था, उतना अच्छा से शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है मन में, अच्छा नहीं लगता उतना ना, तो इसी वजह से उतना शूट नहीं कर पाया जी। तो दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो चुका है, अब तो चालू है कि नहीं, अच्छा तो दोस्तों हम लोग खाना पीना हो चुका है, नाश्ता पानी भी हो चुका है, काफ़ी अच्छा इंतजाम था, और लॉज भी जो था बहुत अच्छा लॉज था, लॉज भी जो था बहुत ही अच्छा लॉज था, क्या सारा इंतजाम जो है अच्छा तरीके से हुआ था, और हम लोगों ने खाना, हाँ बाबू के वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इंतजाम सब कुछ ठीक ठाक हुआ, कोई कमी नहीं थी, हम लोगों को कोई कमी नहीं थी, अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। और इधर देख सकते हैं, उधर जो रिसेप्शन की तैयारी हो रही है, उधर ही दुल्हन को बिठाया गया है, दो दुल्हन है साथ में, तो चलिए एक बार वहाँ पर नज़र दिखा देते हैं। दोस्तों ये हॉल है, और वहाँ पे जो है, वहाँ पे दुल्हन को बिठाया गया है, देखिए सभी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और ये है नीचे का नज़ारा, लॉज काफ़ी अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, ये नीचे में अच्छा भी बड़ा हॉल है। क्या बकवास अकेले कर, तो सब कुछ हो गया दोस्तों, तो अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग जाएंगे घर, तो अब इधर लेते हैं क्या। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।